महिलाओं के लगातार प्रयासों से आज समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में सुधार दिखता है। ऐसी ही कुछ चुनिंदा महिलाओं को भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। उन सभी के विशिष्ट योगदान की सराहना करते हुए मैं महाराष्ट्र की सिंधु ताई सपकाल, जो अभी आई थी, हम सब लोगों ने उनको पुरस्कृत किया है, कि कार्यों के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो मुझे कुछ जानकारियां मिली उन सबको मैं शेयर करना चाहूँगा। लोग उन्हें श्रद्धावश माई कहते हैं। सिंधु ताई या सिंधु माई, सिंधु ताई से सिंधु माई हो गई। और बताया गया है कि उन्होंने अभी तक लगभग 1400 बच्चों का लालन पालन किया। अब वो न किसी की बेटी है, न किसी की पत्नी है, न किसी की बहन है, और एक सबसे बड़ी दर्दनाक जिसको मैं कहता हूँ, कि जब उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था, गुमराह होकर के, खुद गुमराह हो गए थे, तो रात्रि में अपनी बेटी को लेकर के शमशान में सोती थी। वहाँ से उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। और एक दिन वो भी आया, जब उनके वही पति वो भी उनके पास आए, और उनको भी इस सिंधु ताई और सिंधु माई ने उसको भी एक बेटा स्वीकार किया। इससे एक बात समझ में आती है कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी हो, लेकिन माँ माँ होती है, और हर स्त्री का जो दिल होता है वो माँ जैसा होता है। आज वो सैकड़ों बच्चों की माँ हैं, बेटी होने के नाते उन्हें भी कुछ असमानताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी स्वयं की बेटी के साथ असमानता का व्यवहार ना हो, इसलिए उन्होंने घर बार भी छोड़ा, यहाँ तक कि भीख में मांग ली। भीख मांग करके साथी भिखारियों के साथ मिल बांट कर पेट भी भरती थी। हजारों अनाथ बच्चों को इस योग बनाया कि वह समाज में सम्मान की जीवन जी सकें। उनकी सेवाओं की मैं हृदय से सराहना करता हूँ। उनके और उनके जैसी अन्य महिलाओं के कार्यों को आगे बढ़ाने का दायित्व भी हम सब पर है।